हेलो एवरीवन दिस इज कॉमर्स कॉर्नर एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिडक्शन आउट ऑफ ग्रोस टोटल इनकम सो इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं ये सारे सेक्शंस होंगे एंड ये यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा हमारा ये चैप्टर विद थ्योरी सो स्टार्ट करते हैं विद आई बी ए विच इज़ रिलेटेड विद अप्रूव्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स अंडरटेकिंग्स डेवलपिंग एंड बिल्डिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट्स तो वो एलिजिबल बिजनेस में इंक्लूड हो जाएगा उसके बाद कंडीशंस क्या हैं कंडीशन में फ़र्स्ट कंडीशन है अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट जो इसकी डेट है फर्स्ट जून 2016 से लेके थर्टी फर्स्ट मार्च 2022 के बिटवीन जो अप्रूव हो जाना चाहिए किसी भी अथॉरिटी के थ्रू अगर ये अप्रूव होता है 2019 थाउजेंड फर्स्ट अप्रैल तो उस केस में उस हाउसिंग प्रोजेक्ट की स्टाफ वैल्यू 45 फाइव से अबव नहीं होनी चाहिए ठीक है ये फर्स्ट कंडीशन है इन केस ऑफ अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट में सेकेंड कंडीशन है कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होना चाहिए विद इन फाइव ईयर्स फ्रॉम अ डेट ऑफ अप्रूवल जब उसे अप्रूवल मिल गया उसके बाद पाँच साल गिने जाएंगे तब तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए मैक्सिमम कारपेट एरिया ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट इसमें फर्स्ट पॉइंट है अगर आपको ये फोर सिटीज़ यानी कि चेन्नई दिल्ली कोलकाता या मुंबई इसमें है जो आपका हाउसिंग प्रोजेक्ट इसमें लोकेट कर रहा है या फिर म्यूनसिपल जो लिमिट्स हैं ठीक है म्यूनसिपल लिमिट्स के बिटवीन है 25 फाइव किलोमीटर्स के अंदर अंदर एंड जो प्रोजेक्ट है वो अप्रूव किया गया है बिफोर सितंबर फर्स्ट टू थाउजेंड नाइन नाइनटीन तो मैक्सिमम कारपेट लिमिट क्या होगी रेजिडेंशियल यूनिट की थर्टी स्क्वेयर मीटर्स इन केस अगर आफ्टर फर्स्ट सेप्टेम्बर टू थाउजेंड नाइनटीन किया गया है तो सिक्सटी स्क्यर मीटर्स ठीक है और इन सब प्लेसेस को छोड़ के जो प्लेसेस रह गई हैं उनमें अगर 2019 से पहले हुआ है तो उस केस में सिक्सटी एंड बाद में हुआ है तो नाइन्टी स्क्यर मीटर्स इसका मैक्सिमम कारपेट एरिया है ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट का यूटिलाइजेशन ऑफ मिनिमम फ्लोर एरिया फर्स्ट केस है जो हमने पहले सिटीज पढ़ी थी और जो म्यूनसिपल लिमिट थी उसके केस में क्या होगा जो फ्लोर एरिया रेशो है वो 90 परसेंट से कम नहीं होनी चाहिए जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी प्रेस्क्राइब करेगी इनको लिमिट और अदर प्लेसेस में क्या होगा 80 परसेंट इनकी लिमिट है यानी कि जो फ्लोर एरिया रेशो है वो 80 परसेंट से कम नहीं होनी चाहिए और इस केस में हंड्रेड की डिडक्शन होती है इनकेस अगर आपको हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में या फिर इनके बिजनेस में प्रॉफिट हो जाता तो डिडक्शन क्लेम कर सकते हो आप नेक्स्ट पॉइंट है डिडक्शन फॉर सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन बैकवर्ड स्टेट्स अंडर सेक्शन ए इस सेक्शन में ये बताया गया है कि अगर आप कोई आर्टिकल या फिर कोई थिंग को प्रोड्यूस करते हो या मैन्युफैक्चर करते हो वो कौन सी पीरियड में होगा या कौन सा उसका टाइम होगा और किन स्टेट्स में होगा और आपको इसके अकॉर्डिंग कितनी डिडक्शन दी जाएगी वो यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट एट 23 दिसंबर 2002 से लेके 31 मार्च 2007 के बिटवीन अगर आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करते हो या आर्टिकल बनाते हो तो उस केस में यहाँ पे स्टेट दी गई है सिक्किम में इसकी प्लेस है और कंपनी के केस में हंड्रेड की डिडक्शन और अदर्स के केस में हंड्रेड परसेंट पीरियड ऑफ डिडक्शन जो है दस सालों तक आपको मिलती रहेगी यानी कि असेसमेंट ईयर के बेस पे सेकेंड केस है सेवन जन 2003 से लेके 31 मार्च 2012 तक हिमाचल प्रदेश एंड उत्तरांचल इस केस में अगर हिमाचल प्रदेश है तो उस केस में कंपनी के केस में और अदर्स के केस में दोनों में 100% परसेंट है उत्तरांचल के केस में 30% परसेंट है इन केस ऑफ कंपनी एंड अदर्स के केस में ट्वेंटी फाइव परसेंट है और इन दोनों का जो ईयर है यानी कि कब तक डिडक्शन मिलेगी वो फाइव ईयर तक मिलेगी फाइव असेसमेंट ईयरस तक एंड थर्ड पॉइंट है ट्वेंटी फोर दिसंबर नाइनटीन नाइनटी सेवन से लेके थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड सेवन तक नॉर्थ एंड ईस्टर्न स्टेट्स में हंड्रेड हंड्रेड परसेंट की यहाँ पे डिडक्शन अलाउड है इन केस ऑफ कंपनी एंड अदर्स और अगेन टेन ईयर्स की जो असेसमेंट ईयर तक यहाँ पे पीरियड ऑफ डिडक्शन प्रोवाइड किया गया है तो यहाँ पे ये डिडक्शन हो गई अंडर सेक्शन आई सी अगर इस पीरियड में ये प्रोड्यूस करते हैं कोई आर्टिकल को या मैन्युफैक्चर करते हैं तो उस केस में इनको डिडक्शंस मिलती है एज पर देयर रेट्स डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेंस फ्रॉम बिजनेस ऑफ होटल इन स्पेसिफाइड एरिया वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड कन्वेंशन सेंटर्स इन स्पेसिफिक एरियाज अंडर सेक्शन ए टी आई डी एलिजिबल अंडरटेकिंग्स अंडर सेक्शन ए टी आई डी सबसेक्शन टू तो इसमें जो भी अंडरटेकिंग्स एंगेज हैं इन केस अगर वो होटल का बिजनेस कर रहे हैं इन स्पेसिफिक एरिया में या फिर वो इनको ओन कर रहे हैं कन्वेंशनल सेंटर्स को इन स्पेसिफिक एरिया में या फिर उनका जो होटल है वो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट से जाना जाता है तो उस केस में यहाँ पर डिडक्शन प्रोवाइड होती है फॉर्म ऑफ अंडरटेकिंग्स यानी कौन सी कौन सी अंडरटेकिंग्स को यहाँ पे डिडक्शन अलाव करने का मौका दिया जाता है चाहे वो कॉरपोरेट हो चाहे वो नॉन कॉरपोरेट हो स्पेसिफिक कंडीशंस दी गई हैं फर्स्ट है कि जो उसका कंस्ट्रक्शन पीरियड है या फिर उसकी फंक्शनिंग है वो कब स्टार्ट होनी चाहिए इसकी डेट है फर्स्ट अप्रैल 2007 से लेके 31 जुलाई 2010 के बिटवीन है एंड जो कन्वेंशनल सेंटर्स हैं उनकी डेट भी सेम है उसके बाद फॉर होटल्स एट वर्ल्ड हैरीटेज साइट इसकी डेट है फर्स्ट अप्रैल 2008 से लेके 31 मार्च 2013 तक नेक्स्ट कंडीशन ये है कि आपका जो बिजनेस है वो री स्टैब्लिशमेंट रिकन्स्ट्रक्शन या रिवाइल ऑफ बिजनेस से ना एग्जिस्टेंस में आया हो वो ना ही स्प्लिट से फॉर्म हुआ हो ठीक है ये सेकेंड कंडीशन है इसकी अंडर सेक्शन एटी आई जो हमारा चल रहा है ये सेक्शन इसमें भी हमारी डिडक्शन जो है 100% परसेंट है पीरियड ऑफ डिडक्शन है फाइव कंजेक्टिव असेसमेंट ईयर विच इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल असेसमेंट ईयर ऑफ सर्टेन अंडरटेकिंग्स इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अंडर सेक्शन एटी इ, जो यहाँ पे डिडक्शंस हैं वो इंसर्ट की गई थी बाय फाइनेंस एक्ट 2007 के थ्रू और जो ये डिडक्शंस हैं लाइक मनीपुर सिक्किम इन्हें प्रोवाइड करी जाती हैं लाइक इनके नेम में लिखा हुआ है नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स अब इस डिडक्शन को लेने के लिए कौन सा बिजनेस एलिजिबल है जो बिज़नेस मैन्युफैक्चरिंग करेगा या प्रोड्यूस करेगा कोई आर्टिकल को या थिंग्स को है इसकी लोकेशन कहाँ पे होनी चाहिए जैसे इसके नेम में ही है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स यानी कि नॉर्थ वाली साइड पे जो स्टेट्स होती हैं लाइक like, मिज़ोरम मणिपुर नागालैंड सिक्किम त्रिपुरा मेघालय वगैरह ऐसी चीज़ों में इन्हें डिडक्शन मिल जाएगी अगर आपका जो बिज़नेस या फिर अंडरटेकिंग इन जगह पे सिचुएटेड है फॉर्म ऑफ अंडरटेकिंग वही चीज़ है सेम बिजनेस हो या फिर नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर हो तो उस केस में आपको डिडक्शन मिल जाएगी इन केस सोल प्रोपराइटर है या फिर पार्टनरशिप फर्म है दैन नेक्स्ट कंडीशन इज स्पेसिफ़िक कंडीशन आ जाती हैं जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका बिजनेस जो है या फिर मैन्युफैक्चरिंग है उसकी वो कब स्टार्ट होनी चाहिए फ़र्स्ट केस है अगर एलिजिबल आर्टिकल्स की है तो उस केस में यहाँ पे फर्स्ट अप्रैल 2007 से लेके 31 मार्च 2017 के बिटवीन में आपकी मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए उसके बाद जो अगर आपकी अंडरटेकिंग जो है सब्सटैशियल एक्सपेंशन कर रही है यानी कि जो कैपिटल फिक्स्ड आपके जो फिक्स्ड एसेट्स हैं ठीक है थेके? उसको ये एक्सपैंड कर रही है यानी कि उसकी वैल्यू में एडिशन कर रही है ताकि ये डाइवर्सिफिकेशन कर सके अपने बिजनेस में और इस केस में अगर यहाँ पे एक्सपेंशन किया जा रहा है 2007 थाउजेंड फर्स्ट अप्रैल से या फिर थर्टी मार्च 2017 के बिटवीन तो उस केस में यहाँ पे डिडक्शन मिल सकती है लास्ट पॉइंट है अगर एलिजिबल बिजनेस आप कैरी करना चाहते हो तो उस केस में फर्स्ट अप्रैल 2007 और 31 मार्च 2017 को आपको माइंड में रखना होगा कि अगर आपने डिडक्शन क्लेम करनी है तो डिडक्शन का यहाँ पे रेट है 100 परसेंट पीरियड क्या है टेन कंजेक्टिव असेसमेंट ईयर्स विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल असेसमेंट ईयर ओके जे जे ए विच इज रिलेटेड विद प्रॉफिड एंड गेन्स ऑफ बायो वेस्ट अगर इस केस में अगर आपको प्रॉफिट एंड गेन्स होते हैं तो सारे ही पर्सन यानी कि एच यू एफ BOIs, ए पी बी ओ ये सारे ही एलिजिबल हैं डिडक्शन लेने के लिए एंड जो बिज़नेस है वो रिलेटेड होना चाहिए अगर आपने कलेक्ट किया है प्रोसेस किया है बायो वेस्ट को एंड यहाँ पे फ्यूल एंड पावर जनरेट हो रही है और हर साल यहाँ पे इनकम जनरेट भी हो रही है तो उसके इसमें हंड्रेड परसेंट यहाँ पे डिडक्शन मिलेगी देन अंडर सेक्शन एटी जे जे ए इसमें है एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू इम्प्लॉयज़ तो ये सारे को अलाउड है इन केस अगर आपने जो न्यू इम्प्लॉयज़ हैं वो मिनिमम पीरियड उनका क्या है जब आपने उनको एम्प्लॉय किया अपने बिजनेस में या एम्प्लॉयमेंट uh, दी उन्हें टू फोर्टी डेज़ उनके मिनिमम है विच इज़ रिलेटेड टू अंडर सेक्शन फोन फोर ए बी एंड जो टोटल उनकी सैलरी है या पर्कोजिट्स हैं वो एक्सीड नहीं होने चाहिए ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पर मंथ के अकॉर्डिंग एंड रिडक्शन तब नहीं अलाउ की जाएगी अगर जो फैक्ट्री इन्हें हायर कर रहा है या एक्वायर कर रहा है बाई अमेलगमेशन इनकेस ऑफ एपिरल फुटवेयर एंड लेदर इंडस्ट्री तो उसके इसमें वन फिफ्टी डेज की लिमिट बताई गई है एंड टाइम पीरियड है थ्री ईयर्स और थर्टी परसेंट ऑफ एडिशनल कोस्ट इनकर्ड इनको यहाँ पे डिडक्शन का रेट बताया गया है देन ए टी एल ए विच इज़ रिलेटेड टू डिडक्शन फॉर इनकम ऑफ ऑफ शोर बैंकिंग यूनिट्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स सो so, यहाँ पे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड या फिर इंडियन शेड्यूल्ड बैंक्स यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं डिडक्शन को और यहाँ पे क्वालिफाइड अमाउंट क्या है किस अमाउंट पे करेंगे जो बैंकिंग इनकम होगी फ्रॉम दीज यूनिट्स विच इज़ रिलेटेड टू सेस यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन देन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर से अगर कोई इनकम आ रही है और ये इसकी डेट है थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर से पहले पहले इनकी जो ऑपरेशन uh, हैं वो स्टार्ट हो जाने चाहिए इन केस अगर बैंकिंग इनकम है और वो सेल्स से आ रही है तो उस केस में यहाँ पे दस सालों के लिए डिडक्शंस प्रोवाइड करी जाती हैं टेन असेसमेंट ईयर्स के लिए फर्स्ट फाइव ईयर्स के लिए क्या होगा हंड्रेड परसेंट की अगले पाँच सालों के लिए फ़िफ्टी परसेंट की केस अगर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है तो उस केस में डेट भी मेंशन करनी है आपने थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर के पहले पहले यहाँ पे इनकम आ रही है अगर आपने ऑपरेशंस इस डेट से पहले स्टार्ट कर दिए हैं तो इसमें हंड्रेड परसेंट फॉर टेन कन्जेक्टिव असेसमेंट ईयर्स आउट ऑफ फिफ्टीन ईयर्स तो इस केस में यहाँ पर इतनी डिडक्शन प्रोवाइड करी जाएगी 80m deduction in respect of certain inter corporate dividends which allow only domestic companies to claim deduction and is mein kya hai qualify amount dividend received by domestic company from another domestic company or foreign company or बिजनेस ट्रस्ट यानी कि जो एक डिविडेंड है वो एक डोमेस्टिक कंपनी रिसीव कर रही है चाहे वो किसी और डोमेस्टिक कंपनी से कर रही है या फॉरेन कंपनी से कर रही है किसी ट्रस्ट से कर रही है और ये हर साल इनकम होती है एंड हंड्रेड परसेंट इसकी अलाउड है डिडक्शन ए टी पी विच इज़ रिलेटेड टू कोपरेटिव सोसाइटीज़ और कॉपरेटिव सोसाइटीज़ ही क्लेम कर सकती हैं इसे और कॉपरेटिव सोसाइटी का बिजनेस कहाँ कहाँ से आ सकता है बैंकिंग बिजनेस हो सकता है कॉटेज इंडस्ट्री से मार्केटिंग एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स प्रोसेसिंग कलेक्टिंग फिशिंग बिजनेस ऑफ सप्लाइंग मिल्स एक्सेट्रा दीज और बिजनेस आर इंक्लूडेड इन कॉपरेटिव सोसाइटी सो अगर इनमें से कोई इनकम होती है तो यहाँ पर डिडक्शन होती है हंड्रेड परसेंट की और जो प्रॉफिट इन सब में से अगर कोई एक्टिविटी नहीं है तो अगर उसमें प्रॉफिट हो रहा है तो वहाँ पर फिफ्टी थाउजेंड डिडक्शन अलाउड है बट इन केस अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो वन लाख की डिडक्शन यहाँ पे अलाउ की गई है ए में ही चल रहा है हमारा नेक्स्ट पॉइंट अगर कोई इंटरेस्ट या डिविडेंट रिसीव होता है फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी से हर साल तो हंड्रेड परसेंट है नेक्स्ट है इनकेस ट्रांसपोर्ट या फिर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से इनकम आ रही है उनकी जो जी है यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम है वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए ट्वेंटी थाउजेंड से और ये हर साल इनकम आती है तो उस केस में यहाँ पर हंड्रेड परसेंट की डिडक्शन प्रोवाइड करी जाती है या फिर जितनी भी प्रॉपर्टी की इनकम होगी देन ए विच इज रिलेटेड टू फार्म प्रोड्यूजर कंपनीज इसमें यही कंपनीज क्लेम करेंगी डिडक्शन और ये डिडक्शन पाँच सालों के लिए हंड्रेड परसेंट दी जाएगी देन उसके बाद टोटल टर्न ओवर जो है हंड्रेड करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और जो ग्रॉस टोटल इनकम है ऑफ कंपनी विच इज इंक्लूड्स मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रोन बाई इट्स मैम्बर्स अगर इसमें से कोई ग्रॉस टोटल इनकम आ रही है तो वो इंक्ल्यूड हो सकती है उस डिडक्शन में एंड परचेज ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स सीड्स लाइफ स्टॉक और आर्टिकल्स एंड प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूज ऑफ इट्स मेम्बर्स नेक्स्ट पॉइंट है विच इज़ रिलेटेड टू एटी क्यू क्यू बी बुक्स ऑफ आर्टिस्ट्स एंड साइंटिफिक नेचर तो ये इंडिविजुअल्स को अलाउड है अगर रॉयलिटी मिलती है उन्हें बुक्स राइटिंग करने की और जो एक्चुअल रॉयल्टी है या फिर थ्री लैक जिन जिनमें से जो भी लेस अमाउंट होगी वो एज अ डिडक्शन यहाँ पे प्रोवाइड करी जाएगी देन नेक्स्ट इज आर आर बी एटी आर आर बी पेटेंट्स रेजिडेंशियल होना चाहिए वो इंडिया का और इंडिविजुअल एंड जो रॉयलिटी है फ्रॉम डेवलपिंग पेटेंट्स यहाँ पे क्वालिफाइंग अमाउंट आएगा और जो एक्चुअल रॉयल्टी मिलेगी या फिर थ्री लैख जैसे हमने ए टी क्यू क्यू बी में उसकी लिमिट पड़ी थी वो सेम है देन टी टी ए विच इज़ रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स इन सेविंग अकाउंट फॉर एग्जाम्पल अगर इंटरेस्ट मिलता है अगर बैंक डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट मिलता है या सेविंग अकाउंट्स पे मिलता है तो उस केस में यहाँ पे इंडिविजुअल या फिर एच यू एफ को डिडक्शन मिलती है टेन थाउजेंड या, या फिर उसके टेन थाउजेंड या फिर उसके जो भी इंटरेस्ट की अमाउंट एक्चुअल होगी टेन थाउजेंड या फिर एक्चुअल अमाउंट होगी इंटरेस्ट की तो उनमें से जो भी कम अमाउंट होती है वो यहाँ पे मिलती है दैन टी टी बी विच इज़ रिलेटेड टू इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट्स हेल्थ बाई सीनियर सिटीज़न यानी कि सिक्सटी से अबव है उनकी एज एज एंड यहाँ पे हर साल उनको मिलती है ये रिडक्शन फिफ्टी थाउजेंड या फिर जितना भी उन्होंने इंटरेस्ट अर्न किया दैन लास्ट इज़ ए टी यू विच इज़ रिलेटेड टू मेडिकली हैंडीकैप्ड मेंटली रिटार्डेड असेसिस वो रेजिडेंट होने चाहिए विद डिसेबिलिटी और यहाँ पे हर साल उन्हें मिलती है बट यहाँ पे फिक्स्ड अमाउंट है सेवेंटी फाइव थाउजेंड बट इन केस ऑफ सवर डिसेबिलिटी वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सो यहाँ तक हमने सारी रिडक्शन कंप्लीट कर ली हैं डिडक्शन आउट ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम का यहाँ चैप्टर कम्पलीट होता है विथ दीज ऑल थियोरी पार्ट